हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी स्ट्रेसफुल किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आलू के व्रत वाले कटलेट। बहुत ही यमी लगते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल सूखा पैन में एक ऐसे हल्का हल्का बिल्कुल गैस को सिम करके इसको रोस्ट करेंगे। ये देखिए छिलका अलग होना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा ये फटने जैसी लगी है, खुशबू अच्छी आ रही है। तो अब हम गैस को करते हैं ऑफ, ये भुन गई हैं और ठंडा होने के बाद हम इनका छिलका निकाल लेंगे। तो ये देखिए ठंडा हो गया और इसको हमने अच्छे से हाथों से ना ऐसे मसल मसल के इनका जो छिलका है वो अच्छे से उतार लिया है। जैसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके इनको सारा साफ कर लिया है। तो छिलका अब हम अलग कर लेंगे और गिरियां अलग कर लेंगे। और इसको करने के लिए अलग ना हम इस तरह से करेंगे, ऐसे करके, तो ये सारा छिलका अलग हो जाएगा और ये अलग से निकल जाएंगी गिरी। हमने ये मिक्सी में डाल लिया है और इसको करते हैं ग्राइंड। और ये देखिए हमारा ये पाउडर बनकर तैयार है। हमने इसको रोक रोक कर, मिक्सी को रोक रोक कर पीसा है, तो इससे ये गीला नहीं हुआ और बिल्कुल सूखा बना है। हर व्रत में बनाने की रेसिपी में ये पाउडर यूज होता है, तो मैंने सोचा आपको ये बीच में बनाना बता देती हूँ। ये देखिए मैंने 3 उबले आलू को ग्रेट कर लिया है। जब भी आप आलू ग्रेट करें तो ठंडा करने के बाद ही करें। और ये मैंने समा के चावल का आटा जो है वो ले लिया है। आप घर में समा के चावल हैं उनको भी पीस कर ले सकते हैं, आटा 1/4 कप है। इसको हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद मैंने लिया है ये मूंगफली का पाउडर, ये मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। इसको भी हम इसमें डाल देंगे। 1 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। सेंधा नमक हमने लिया है स्वाद के अनुसार। हरे धनिये की पत्तियों को काट लिया है, 2-3 टेबलस्पून आप ले सकते हैं। ये हमने काली मिर्ची पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। भुना हुआ जीरा लिया है 1/4 टीस्पून। ये जीरा पाउडर है जो रेडीमेड आता है, MDH का मैं यूज कर रही हूँ। आप जो भी आपके पास है वो यूज कर सकते हैं। 1/2 चम्मच लिया है और ये मैंने लिया है अमचूर 1/2 चम्मच। इसको सबको मिक्स करते हैं। और ये मैंने लिया है चौलाई का आटा, जो राजगिरा आटा भी आप बोलते हैं। इसको भी मैं 2 चम्मच इसमें डाल दूंगी और इसको हम हाथ से करेंगे मिक्स। तो सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो जैसा बना लेंगे ताकि कटलेट बनाना आसान हो जाए और बाइंड हो जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। इस तरह से करके हम इसको गोंद लेंगे, आटे की तरह डो की तरह बना लेंगे। ये देखिए अब ये इस तरह से बन गया है। हमने स्लैब को अच्छे से साफ कर लिया है, तब हम इसमें प्लेट में ऐसे कर रहे हैं। तो आप खुले बर्तन में इसको आटे की तरह से कर लें और ये इस तरह से बॉल बन जानी चाहिए। देखिए आप कितना सूखा सूखा है, ज्यादा मॉइस्चर नहीं है। तो हम छोटी सी बॉल बना के ना पहले डीप फ्राई करके देख लेंगे। हमने यहां से ऑयल ले लिया है थोड़ा सा, इसको हम अपने हाथ पे लगाएंगे और इसको ऐसे बनाकर हम देखेंगे, बॉल बना लेंगे इसकी। ऐसे बॉल बनाएंगे और जिस भी शेप में आप बनाना चाहें उसमें आप ऐसे कटलेट बना सकते हैं। ओवल बनाना चाहें आप ओवल बना लें। ऐसे करके हम इसको अच्छे से ऑयल लगा के इसके किनारे ऐसे फटे ना सेट कर देंगे। ये जो आटा है ना, जो हमने बाद में राजगिरा आटा लिया है, ये इतना ही डालना है जितना कि हमें जरूरत लगे जब हमारा ये बनने लगे। अगर हमारा ये खुल जाता है, बिखर जाता है, तो हम और आटा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम इसी तरह से पहले सारे कटलेट बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने शेप में बना लिया है, होल शेप में, और ये 8 to 9 कटलेट बन जाते हैं। तो अब हमने पूरे बना लिए हैं और अब हम ऑयल को गर्म करते हैं और इनको डीप फ्राई करते हैं। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया है, मीडियम हॉट ऑयल हमें लेना है। इसमें हम इस तरह से कटलेट डाल देंगे और कुछ देर हम इनको बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, इनको एक तरफ से ब्राउन होने देंगे। ये देखिए इस टाइप से होने शुरू हो जाएंगे ये, और हम इनको उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। ये चारों तरफ से देखो आलू उबले हुए हैं, पर इसमें जो आटा है ना वो भी अच्छे से सिक जाना चाहिए। तो हमें ज्यादा हिलाना नहीं है, पहले देख लें दूसरी तरफ से ब्राउन हो जाए, एक तरफ से ब्राउन हो जाए, तभी हम इसको पलटेंगे। तो हमारे ये कटलेट जो है बिल्कुल भी देखिए खुल नहीं रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से ही बाइंडिंग है। तो आप इसी तरह से समा का चावल का आटा और ये सब यूज कर सकते हैं। तो इनको ब्राउन होने तक सेकते हैं और आपसे मिलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। ये देखिए ऐसे उलट पलट के हम इसको मीडियम ऑयल में सेक लेंगे
और मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए कितने सुंदर ये कटलेट लग रहे हैं। तो इनको निकालते हैं प्लेट में। तो इस तरह से हमने सारे कटलेट बनाकर निकाल लिए हैं। आप देखिए कितने यमी लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। आपको मैं यहाँ फॉर्क से इसकी क्रिस्पीनेस दिखाती हूँ, ये देखिए। तो बहुत यमी, बहुत अच्छे कटलेट इस व्रत में जरूर बनाइए और खाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।